नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मैं एक नया अध्याय लेकर, एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। लास्ट वीडियो में हम भारत की वनस्पति की चर्चा कर रहे थे, वन्य जीव संरक्षण की चर्चा कर रहे थे, वन्य जीव अभ्यारण्यों की चर्चा हमने की, जीव मंडल नीचे के जो क्षेत्र उनकी चर्चा हमारी लास्ट वीडियो में हो चुकी थी, वहीं पर हमारा अध्याय समाप्त भी हो चुका था। आज का ये जो हमारा अध्याय है भारत की मृदाओं से संबंधित है। सबसे पहले आपको समझना ये आवश्यक हो जाता है कि ये मृदा होती क्या है। आप जहां भी निवास करते हैं अपने आसपास के क्षेत्र में आपने चारों ओर फैली हुई मिट्टी को जरूर देखा होगा। ये मिट्टी कहां से आई है, इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में मृदाओं का स्वरूप अलग अलग देखने को क्यों मिलता है, कहीं पर मृदाएं उपजाऊ होती हैं लेकिन कहीं पर मृदाएं अनुपजाऊ भी होती हैं, ऐसा क्यों होता है, भारत के अलग अलग भागों में मृदाओं का विस्तार अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है, ऐसा क्यों हुआ है, कहीं काली मृदाएं मिल रही हैं, कहीं पीली मिल रही हैं, कहीं लाल मिल रही है, कहीं जलोढ़ मिल रही है, कहीं मरुस्थली मिल रही है, कहीं पर्वतीय मिल रही है, इसमें प्रादेशिक आधार पर ऐसी विषमता क्यों पाई जा रही है, मृदाओं का आर्थिक महत्व क्यों होता है, इन सभी बिंदुओं की विस्तार से जो हम चर्चा करेंगे इस अध्याय के अंदर करने वाले हैं। मृदा नामक जो हमारा अध्याय है उसके अंदर हम करने वाले हैं। देखो बच्चों, आपको बहुत इस तरह पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है और खेती के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत जरूरी होता है। तो कम से कम भारत के संदर्भ में तो आप ये मान लो मृदा का बहुत अधिक महत्व है। अब मृदाओं की जो स्थिति देखने को मिलती है ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या स्थान रखती है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, किसी भी क्षेत्र के अंदर मिलने वाली जो मृदा होती है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होती है। अन्य संसाधनों का विकास जो होता है वो किसी न किसी प्रकार से मृदा से जुड़ा हुआ होता है। मिट्टियों से ही फसलें उत्पन्न होती है, मिट्टियों से ही बागवानी फसलें होती है, मिट्टियों से ही घास होती है, मिट्टियों से ही पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये मिट्टी है क्या, कहाँ से आई? तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि धरातल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उस पर मिट्टियों का विस्तार देखने को मिलता है। तो यदि हम सारांशित परिभाषा की चर्चा करें तो असंगठित चट्टानों का जो चूर्ण होता है उसे ही मृदा कहते हैं। अमेरिका के कृषि विशेषज्ञ थे डॉक्टर बनेट, उन्होंने ये परिभाषा दी थी। क्या दी थी? असंगठित चट्टानों के चूर्ण को ही मृदा कहा जाता है। आपने देखा होगा पर्वतों से चट्टानें टूटती हैं, शिलाखंड टूटते हैं, फिर लुढ़कते लुढ़कते नीचे ढाल के अनुसार नीचे आते हैं, पत्थर में कन्वर्ट होते हैं, रोड़ी में कन्वर्ट होते हैं, टोले में कन्वर्ट होते हैं और लास्ट में बजरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बजरी से लास्ट में क्या बन जाती है, अंततः मृदा बन जाती है। तो मृदा बनने की जो प्रक्रिया है एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबे समय का परिणाम है मृदा का निर्माण। और मृदा का निर्माण किसी एक घटक या एक तत्व से न होकर अनेक घटकों से होता है और जिन घटकों का मृदा के निर्माण में योगदान होता है उसको मृदा के निर्धारक घटक कहते हैं या मृदा को नियंत्रित करने वाले घटक कहते हैं या मृदा निर्माण के घटकों के नाम से जाना जाता है। तो मृदा एक मूल्यवान संसाधन है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की अधिकांश प्रक्रियाएं, चाहे वो कृषि की प्रक्रिया हो, चाहे वो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया हो, या उद्योगों को जो कच्ची सामग्री प्राप्त होती है विशेष रूप से कृषि जात सामग्री वो हो, या फिर जो फसलों को प्राप्त करने की, ये इन प्रकार किससे जुड़ी हुई होती है, मृदा से ही जुड़ी हुई होती है। और मृदा का जो विकास होता है हमने पहले भी कहा था लंबे समय का परिणाम, दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम होता है मृदा निर्माण की प्रक्रिया। चलो खैर, हम चर्चा ये करते हैं मृदा बनती किस किस से है। तो देखो, मृदा मुख्य रूप से पांच कारकों का परिणाम होती है। किसी क्षेत्र में मिलने वाली जलवायु,
उस क्षेत्र में मिलने वाली आधारभूत शैलों का, कार्बनिक पदार्थों का और उच्चावचों का और अंत में समय का। ये पांच ऐसे घटक हैं जो किसी क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पति के स्वरूप को मृदा के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। किसी भी क्षेत्र में मिलने वाली जो मृदा होगी इन कारकों के आधार पर ही निर्धारित होगी। मृदा मलबे का और जैविक सामग्री का एक मिश्रण होती है, जीव जनित जो सामग्री उसका और मलबा जो पाया जाता है उसका मिश्रण होती है। मलबा कहाँ से आता है? चट्टानों से आता है। और उच्चावच है जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति, जीव, समय, ये मृदा को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारकों के रूप में शामिल किए जाते हैं। और मानव की जो भूमिका होती है वो भी मृदा निर्माण में एक अहम योगदान निभाती है। तो किसी भी क्षेत्र में जो मृदाओं का स्वरूप हमें देखने को मिलेगा वो मृदा को नियंत्रित करने वाले कारकों के आधार पर ही देखने को मिलने वाला है। विश्व के अलग अलग भागों में जो मृदाएं पाई जाती हैं उन मृदाओं की प्रक्रिया के ऊपर भी इसके जो नियंत्रक कारक हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अब मिट्टी तो आपने देखी है ना, कहीं काली देखी होगी, कहीं पीली देखी, कहीं लाल देखी होगी, लेकिन देखी जरूर आप। ये जो मिट्टी पाई जाती है बच्चों, इसमें भी क्या पाई जाती है? परतें पाई जाती हैं। तो मृदा में मिलने वाली परतों को मृदा पार्श्विका कहते हैं, मृदा पार्श्विका कहते हैं, अर्थात मृदा की परतों को ही मृदा पार्श्विका के नाम से जाना जाता है। जब आपके आसपास कोई कुआं खुद रहा होगा या कोई ट्यूबवेल खुद रही होगी तो आपने देखा होगा कि अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रकार की मृदा आती है। कहीं पे कोमल मृदा आती है, कहीं पे चिकनी मृदा आती है, कहीं पे पथरीली मृदा आती है, कहीं पे बजरी आ जाती है। तो मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे गहराई की ओर जाएंगे, धरातल के ऊपरी भाग से गहराई की ओर जाते जाएंगे, मृदा का संगठन और संरचना दोनों बदलती जाती है। और विशेष रूप से हमें मृदा की जो ऐसी परतें देखने को मिलती है, मृदा की जो पार्श्विकाएँ देखने को मिलती हैं, उनको हम गहराई के आधार पर मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे ऊपरी संस्तर जिसको हम कह संस्तर के नाम से जानते हैं, मध्यवर्ती स्तर जिसको हम ख संस्तर के नाम जानते हैं, और सबसे अंतिम जिसको हम गय संस्तर के नाम से जानते हैं। ये कै जो संस्तर होता है, कै परत जो होती है मृदा की, सबसे ऊपर वाली परत होती है। और इस परत के द्वारा ही धरातल पर पेड़ पौधों की वृद्धि संभव हो पाती है, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए ये खनिज पदार्थ, पोषक पदार्थ और जल की उपलब्धता जो पाई जाती है इस कै परत में ही पाई जाती है। मृदा की जो दूसरी परत होती है खै संस्तर के नाम से, ये मध्यवर्ती संस्तर होता है, कै और गै के बीच पाई जाती है। यानी मृदा की जो कै और गै परत होती है उनके बीच में जो परत पाई जाएगी उसको खै संस्तर के नाम से जाना जाएगा। इसमें क्या होता है, ऊपर कै परत नीचे गै परत दोनों के जो पदार्थ होते हैं उनका मिश्रण पाया जाता है, इसी कारण इसको संक्रमण परत के नाम से भी जाना जाता है। जैविक पदार्थ भी होते हैं, खनिज पदार्थ भी होते हैं, मिले हुए होते हैं, और इसमें अक्षय भी होता रहता है, विखंडन की प्रक्रिया होती रहती है। सबसे अंतिम और नीचा जो संस्तर होता है बच्चों, उसको गै संस्तर कहा जाता है। और इस संस्तर के अंदर मृदा जो होती है ढीली होती है, कोमल प्रकार की होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम सबसे पहले गै संस्तर संपन्न हुआ होगा, उसके बाद में खै और उसके बाद में कै। तो इसी प्रकार से सबसे पहले गै परत बनती है, फिर उसके बाद खै बनती है, खै के बाद में कै परत बनती है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है मृदा में इस प्रकार की जो परतों की स्थिति हमें देखने को मिलती है, मृदा में इस प्रकार की जो पार्श्विकाओं की स्थिति हमें देखने को मिलती है, उसी को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। एक और नया प्रश्न निकल के आ जाता है, मृदा परिच्छेदिका किसे कहा जाता है? मृदा में मिलने वाली परतों की व्यवस्था को ही मृदा परिच्छेदिका के नाम से जाना जाता है। ये तीनों जो परतें पाई जाती हैं एक चट्टान के नीचे होती हैं, जिन्हें जनक चट्टान या आधारी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। भाई किसी भी क्षेत्र में जो मृदा निर्मित होगी उसमें उसकी आधार चट्टान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। मृदा
जो एक जटिल और भिन्न अस्तित्व वाली होती है हमेशा से वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है। इसके महत्व को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन करना आवश्यक समझा और कालांतर में मृदाओं का विश्लेषण किया गया, वर्गीकरण किया गया और विशद विवेचन की जो प्रक्रिया थी वो निकल के आई। वर्तमान संदर्भ में कृषि जात महत्व के बढ़ते हुए स्वरूप के कारण, उद्योगों में कृषि जात जो कच्ची सामग्री उसकी स्थिति के कारण और जैविक संप्रदाय से जुड़ा हुआ होने के कारण मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में उभर कर सामने आया और इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा। तो बच्चों ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये मृदा से संबंधित। मृदा किसे कहेंगे, मृदा को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मृदा परिच्छेदिका किसे कहा जाता है, मृदा में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, इनकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में भारत के अंदर जो मृदाएं पाई जाती हैं उनके वर्गीकरण की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और निरंतर